तो हम लोग अब लास्ट पैराग्राफ में जा रहे हैं। तो लेखक, इससे पहले हम लोग पढ़े थे जैसे जैसे मैंने कि आदमी को ज्ञान होते गया, वैसे वैसे जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते गए। लेखक यह भी सोचता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ता है, पशुता की ओर अथवा मनुष्यता की, अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर। आज के युग में नाखून पशुता के अवशेष है तथा अस्त्र शस्त्र पशुता की निशानी है। इसी प्रकार भाषा में विभिन्न शब्द विभिन्न रूपों का प्रतीक है, यथा अंग्रेजी के जिसे इंडिपेंडेंस का मतलब होता है अधीनता, या किसी की अधीनता का अभाव, किंतु इसका अर्थ हमने स्वाधीनता या स्वतंत्रता तथा स्वराज ग्रहण किया है। इसका तात्पर्य यह है कि सारे तात्पर्य यह है कि इन सारे शब्दों में हमें स्व का बंधन अवश्य रख है, यानी हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारी परंपरा महामयी उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल है। यह सच है कि आज परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए नए हो गए हैं, उलझने की मात्रा बढ़ गई है, परंतु मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। लेकिन पुराने के मोह के बंधन में रहना भी सब वांछनीय नहीं होता है, इसलिए हमें भी नएपन को अपनाना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा, हमें पशुता को छोड़ना होगा और मनुष्यता को